ये है टाइटन की 9308 BM01 BM यानी डबल कलर में गोल्डन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सिल्वर एंड गोल्डन का कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आपको सिल्वर जो है मैट फिनिश में देखने को मिल रही है और गोल्डन आपको ग्लोसी के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाती है। इसमें आप जो केस है, केस पे अगर हम ध्यान दें तो केस में आपको सिल्वर जो है वो ग्लोसी में है और गोल्डन आपको मैट की लुक में है। चेन में आपको जैसे मैंने बताया गोल्डन ग्लोसी में और सिल्वर मैट में है। यहाँ पे जो आपको 3 इंटरनल डायल्स देखने को मिल जाते हैं, ये क्रोनोग्राफ फीचर्स हैं। बाकी कई वॉचेज में आपको मल्टी फीचर भी देखने को मिलता है, इसमें क्रोनोग्राफ है। क्रोनोग्राफ इसमें यहाँ से रन आउट होता है, जो अप बटन है पुश करके आप इसे रन आउट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से रन आउट हो रहा है और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये नीडल भी मूवमेंट देखने को मिलती है, इसमें भी मूवमेंट होती है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ। और यहीं से आपने इसे स्टॉप करना है, अप बटन से स्टार्ट होता है और अप बटन से स्टॉप होता है, और ये डाउन जो बटन है यहाँ से आपने इसे रीसेट कर देना है। ये देखिए ये रीसेट हो गया। तो ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मिली सेकेंड है, ये सेकेंड है और ये मिनट्स है। तो यानी ये मिनट सेकेंड मिली सेकेंड क्रोनोग्राफ वॉच है। तो आपने ये जो पर्टिकुलर स्टॉप वॉच होता है, ये एक तरह का स्टॉप वॉच को वर्कआउट करना है, यहाँ से कोई अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है उसके लिए यहाँ से आप इसे स्टार्ट कर देंगे, यहीं से स्टॉप करेंगे और ये डाउन बटन से रीसेट करेंगे। इसके अलावा इसमें कोई डेट नहीं देखने को मिलती। तो जो सिंगल क्राउन है यहाँ से आपने सिंगल जैसे टाइम नॉर्मल सेट करते हैं वैसे करना है। इंटरनल डायल पर ध्यान देंगे, ऑफ वाइट कलर में आपको इसका डायल देखने को मिल जाता है और जो अपर रिंग आपको एक देखने को मिलता है, रिंग के ऊपर आपको नंबरिंग देखने को मिलती है, उसके ऊपर पॉइंट्स भी दिए गए हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे मेंशन किया गया है। और इसके अलावा सेकंड भी प्रॉपर मेंशन किया गया है, मिली सेकंड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है और टाइटन का लोगो बिल्कुल 3 के सामने देखने को मिलता है। और जो अपर रिंग दिया गया है, रिंग गोल्डन कलर में है, जिसके ऊपर आप 10, 20, 30, 40, 50, 60 के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। और रिंग में थोड़ी लुक देने के लिए यहाँ पे आपको जो उसके अलावा पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपने कट देखने को मिल जाएगा। हैवी लुक में है, जैसे आप स्पोर्ट्स में हैवी वियर आउट करना चाहते हैं तो उसमें ये एक आर्टिकल बहुत ही अच्छी लुक देता है। बैक साइड पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिक कोड 50 मीटर वाटर रेसिस्टेंट आर्टिकल नंबर और ऑल स्टेनलेस स्टील वॉच है। इसमें जो लॉक दिया गया है और ये डबल सिक्योर्ड लॉक है और साथ ही साथ ये बोथ साइड पुश लॉक क्लैप लॉक है। ये देखिए, तो आपने इसे ईजिली जैसे नॉर्मल हम ऐसे वियर अप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि साथ में इसे प्रेस करके हम वियर अप करें और जोर खोलने वक्त इसको यहाँ से आराम से खोलें, जोर न लगाएं, क्योंकि जोर कई कस्टमर का मैंने देखा है कि जब वो जोर से खींचने की कोशिश करते हैं तो ये लॉक उसका निकल जाता है। ये लॉक आप देख सकते हैं, यहाँ से लॉक अलग से फिक्सअप किया होता है तो इसलिए इसको ज़्यादा जोर नहीं लगाना होता है। वियरिंग की बात करें तो अगर आपका हाथ हैवी है तो ये कम्फर्ट लेवल का आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में हैवी लुक के साथ है और स्टेनलेस स्टील है, इसलिए आपको बॉडी पे बिल्कुल इसका कोई जैसे रैशेज के इफेक्ट नहीं होंगे, ये आपको एक कम्फर्ट लेवल में देखने को मिलती है। हैवी लुक है, हैवी वॉच है तो हाथ हैवी होगा तो और भी अच्छी लुक देगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 ईयर्स की मैकेनिकल वारंटी है। कलर की, कलर को कोई केस में प्रॉब्लम आती है तो जो नीचे की साइड होती है कंपनी उसे एज ए नॉर्मल वारंटी में काउंट करती है, तो बहुत साइड से कलर निकला होगा तो 1 ईयर्स की वारंटी में वो कवर्ड अप होता है, 2 ईयर्स की मैकेनिकल वारंटी होती है। और इसका जो प्राइस है एक बहुत ही अच्छा प्राइस दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 12,345 की प्राइस रेंज है इसकी। किसी भी टाइटन के स्टोर से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इसका प्राइस है। थैंक यू।